भाजपा नेता और राष्ट्रीय आईटी सेल के इंचार्ज अमित मालवीय ने हाल ही में राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए ये दो वीडियोस ट्वीट किए। देखते ही देखते ये दोनों क्लिप्स इंटरनेट पर वायरल हो गई। सबसे पहले बात करते हैं इस पहले वीडियो की। ये महाराष्ट्र में आयोजित इंडिया अलायंस इवेंट का वीडियो है। इसे शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी ने हिंदू देवता विट्ठल की मूर्ति को स्टेज पर स्वीकार करने से मना कर दिया। ये क्लिप शेयर करते हुए अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर हिंदू समुदाय की भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया। बीजेपी महाराष्ट्र ने भी ये वीडियो ऐसे ही दावे के साथ ट्वीट किया। वहीं रिपब्लिक भारत ने भी इस क्लेम के आधार पर ये रिपोर्ट पब्लिश की। भाजपा महाराष्ट्र के कथित दावे वाले ट्वीट को कोट्वीट करते हुए आईएनसी महाराष्ट्र ने ये वीडियो ट्वीट किया। वहीं राहुल गांधी की यूट्यूब चैनल पर मौजूद सभा के इस वीडियो में भी राहुल गांधी मूर्ति लेते हुए दिखते हैं। संजय दगड़ू जाधव। अब बात करते हैं इस दूसरे वीडियो की। ये वीडियो ट्वीट करते हुए अमित मालवीय ने दावा किया कि राहुल गांधी ने भारतीय तिरंगे को उतारने की बात कही। डंडा देना, झंडा उतार दो इससे। कई लोगों ने ये क्लिप राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए शेयर की है। इस वायरल वीडियो के बारे में सर्च करते हुए हमें ये YouTube वीडियो मिला, जो महाराष्ट्र के दोंडाईचा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का है। संतोष पाटिल जी ने ईडी सीबीआई की बात की है ना भाई, आपने कहा ना कि ईडी सीबीआई का प्रयोग होता है। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे होता है। जरा खड़ा होइए। अब देखिए, ये हिंदुस्तान की जनता है, ठीक है। सबसे पहले अगर आपको इनका जेब काटना हो तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? ना कैंची तो बाद में आएगी। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? पहले इसका ध्यान उधर उधर करो, ठीक है। अब देखो भैया, एक काम करो, वो देखो उधर, देखो वो, देखो भैया मोदी समुद्र के नीचे है। भैया वो उधर देखो, भैया उधर देखो, वो देखो मोदी सी प्लेन पे उड़ रहा है। भैया उधर देखो, भैया वो देखो पाकिस्तान की ओर देखो। अच्छा भैया यहां देखो, चाइना की ओर देखो। तो इसका ध्यान पहले इधर उधर करेंगे। कौन करेगा? नरेंद्र मोदी करेगा। उसके बाद पीछे से अदानी आएगा, जेब काटेगा। अच्छा ये मुझे देना, डंडा देना, झंडा उतार दो इससे। ये वाला दे दो, छोटा वाला दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। तो मोदी ध्यान इधर उधर करेगा, राइट, अदानी पीछे से जेब काटेगा, और अमित शाह यूं डंडा पकड़ के ईडी सीबीआई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लेके मारेगा। किसको मारेगा? इसी को मारेगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का ये संबंधित फुटेज देखने पर साफ हो जाता है कि वो अपनी बात समझाना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा था, लेकिन बिना संदर्भ दिए एक छोटी सी क्लिप शेयर की गई। ऐसा ही उन्होंने गुजरात में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान किया था। आज सुबह मेरे पास गुजरात के 30 व्यापारी आए, छोटे बिजनेस चलाने वाले, स्मॉल मीडियम बिजनेस जो चलाते हैं, जो इस देश को रोजगार देते हैं, सही,
जो बड़े अरबपति होते हैं अदानी जैसे, वो इतना रोजगार नहीं देते, रोजगार छोटे व्यापारी देते हैं। तो इस तरह ये क्लियर हो गया कि राहुल गांधी अपनी बात को नाटकीय रूप देने के लिए दंडा मांग रहे थे, न कि भारतीय झंडे को हटाने की बात कह रहे थे। अमित मालवीय एक ऐसे नेता हैं जो अक्सर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस तरीके की गलत एवं भ्रामक जानकारियां शेयर करते रहते हैं। अक्सर ऑल्ट न्यूज उनके ऐसे दावों का पर्दाफाश करता रहता है, लेकिन उन्हें फॉलो करने वाले यूजर्स ऐसी दावों को वास्तविकता मानकर आगे बढ़ाने का काम करते हैं।